ओके सो हम लोग थे डिप्रेशन, तो मैं वही चीज बोल रही थी आपको कि हाथ पे हाथ रखकर तो बैठेगी नहीं सरकार, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई रेपो रेट्स को, रिवर्स रेपो रेट्स को सबको क्या कर दिया, डाउन कर दिया, सीआरआर को कम कर दिया। इससे क्या हो गए, फिर से लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे कमर्शियल बैंक्स के थ्रू। फिर क्या होगा, से फॉर एग्जाम्पल मार्केट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगारी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ऐसे फिर से क्या करेगी, देखो ये चीज को होने में टाइम लगता है, इसको हम लोग है ना लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस भी बोल रहे हैं ना इस वजह से, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, रिसेशन होना, वो होना, ये कोई भी शॉर्ट टर्म में नहीं होता है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म में ही होता है और ये एवरी सेक्टर को अफेक्ट करता है। तो डिप्रेशन से क्या होगा, फिर धीरे 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 रिकवरी। इकोनॉमिक रिकवरी रहेगी। तो ये जो हम लोगों ने बनाया इसको भी हम लोग टाइम सीरीज ग्राफ ही बोलते हैं, लेकिन ये जो ऑलरेडी जो सीन हो रहे हैं ना, बूम रिसेशन डिप्रेशन, ये ऑलरेडी बहुत टाइम पीरियड लगा रहे हैं और बहुत देर लगता है इतने को होने में। पूरा प्रैक्टिकली लाइफ में इतना फास्ट फास्ट नहीं होता है हर चीज। देखो इन अ ट्रेड साइकिल और साइकिल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देखो इसको हम लोग ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं, बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं, साइकिल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बोला जाता है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म हो एंड लॉन्ग टर्म, रेगुलर हो इरेगुलर हो, चेंजेस आर ऑब्जर्व। तो हमने जो पहले देखा ना ये वाला, ये जो होता था दैट इज अ शॉर्ट टर्म, फिर लॉन्ग रन अपने को मिलता था ये दैट इज ट्रेंड, समझे। तो हमारे पास बहुत सारे तरीकों के टाइम सीरीज बनाए जाते हैं। द ट्रेंड्स ऑफ सच चेंजेस आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। व्हाट यू आर यूजिंग, स्टैट्स में कर रहे हो ना, मूविंग एवरेजेस मेथड यूज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर चीज को यूज कर कर आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, और कैलकुलेशन के बाद डेटा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उसका कर रहे हो, उसको पुट ऑन कर रहे हो ग्राफ के अंदर। सो द ट्रेंड्स ऑफ सच चेंजेस आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल एंड व्हेन ग्राफ्स आर ड्रॉन टेकिंग दीस चेंजेस एज वेरिएबल। वेरिएबल दिस इज अ वेरिएबल, आए दिन चेंज होता रहता है, दिस इज अ वेरिएबल ना, टाइम बाय टाइम चेंजेस होना। सेल्स लिया था मैंने, सेल्स इज अ वेरिएबल, और नीचे क्या लिया गया है, टाइम पीरियड्स। तो वेरिएबल कहाँ पे लेंगे, अपने वाई एक्सिस पे, और जो टाइम पीरियड्स है एज अ बेस, क्योंकि टाइम पीरियड ये एक्स है, ये क्या है हमारा बेस, देन सच ग्राफ्स आर कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ्स। बस इतनी चीज बोली है, और आपके टेक्स्ट बुक में ना इसी चीज को ड्रॉ कर दो तो आपको दिमाग में रहेगा, ट्रेंड भी आपको पता होगा, और ये लॉन्ग टर्म अपना जो इरेगुलर फ्लक्चुएशंस होंगे या रेगुलर फ्लक्चुएशंस होंगे वो आपको आइडिया आएगा टाइम सीरीज ग्राफ से। ठीक है, तो है ना टेक्स्ट बुक में बाजू में ड्रॉ कर देने का इसी चीज को, ताकि हम लोग जब भी ये रिवाइज करें ना तो अपने को फटाफट ये चीज याद आ जाए कि टाइम पीरियड बेस लिया था हमने, और वेरिएबल प्राइस क्या है, वेरिएबल है, या सेल्स क्या है, वेरिएबल है, नीचे टाइम पीरियड से आएगा ना। आप लोग उसमें लेते हो ना मूविंग एवरेज मेथड में, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, ऐसा करके लेते हो ना एक पूरे साल का सेल्स का ट्रेंड, फिर नेक्स्ट ईयर का क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, इस तरीके से हम लोग कितनी बड़ी अपनी तो टेबल बनती है मूविंग एवरेजेस की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टाइम सीरीज ग्राफ्स बना सकते हैं। बस इतना ही था आपके सिलेबस में ग्राफ्स और डायग्राम्स का। तब आता है भाई नेक्स्ट पार्ट ये चैप्टर का, दैट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। कैन एनीवन टेल मी व्हाट टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग इन इकोनॉमिक्स। अभी अभी के सामने ही है, आप टेक्नोलॉजी से ही कनेक्टेड हो। हम लोग क्या है, मैं यहाँ हूँ, आप वहां सब हो, और हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ ही कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, हमारा मोबाइल फोन्स, फिर और क्या क्या, इंटरनेट, वी आर यूजिंग इंटरनेट, ये यूज कर रहे हैं हम लोग, यस और नो।
Yes. हाँ, so पूरा का पूरा अभी हम लोग क्या है, इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं, तो हम ये इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी के मदद से ही तो पढ़ रहे हैं, वही तो आपको बोला है. वी आर लिविंग क्या लिखा है आपके इंट्रोडक्शन, अभी हम पढ़ते हैं क्या लिखा है. वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, बिकॉज डिजिटल टेक्नोलॉजी का एम किसका था, कोई मुझे बता सकता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का? आप बोलोगे नरेंद्र मोदी जी का, भाई उनका तो था ही, लेकिन काफी टाइम से पहले. हु इज अ फाउंडर ऑफ एप्पल, कौन है फाउंडर? स्टीव जॉब्स. जो स्टीव जॉब्स है ना, उनका था एक्चुअली, उनको लाना था डिजिटलाइजेशन हर एक कंट्री में, उनका स्टार्टिंग से एम था. आप लोग कभी पढ़ना उसके रिलेटेड, स्टीव जॉब्स की कभी स्टोरी वगैरह पढ़ना, तो उसमें हर चीज लिखी हुई है कि वो चाहते थे डिजिटलाइजेशन, हर एक चीज डिजिटलाइज हो. फिर गवर्नमेंट, हमारी इंडियन सरकार ने भी उसी चीज को अडॉप्ट किया, एंड नाउ हम लोग स्टडी में भी इस चीज को यूज कर रहे हैं, और हम लोग लेक्चर्स भी अभी इस तरीके से पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन दे रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग. सो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, एंड वी यूज दिस टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ. सो वी यूज दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी टू स्टे कनेक्टेड विथ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड स्टूडेंट्स टू. नाउ एक और मैं पॉइंट ऐड करती हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ भी हम लोग इसी तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हैं. सो टू टेक लेक्चर, टू वॉच मूवीज, टू लिसन टू म्यूजिक, नेटफ्लिक्स, हम लोग क्या नहीं यूज करते, यूट्यूब, मैप, नेविगेट दी पर्टिकुलर अवर वे वाइल ड्राइविंग ऑन अननोन रोड्स, टू ऑर्डर परचेस मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, एमेजोन, सब चीजें यूज कर रहे हैं हम लोग, टू पे अवर बिल्स, फोन पे, गूगल पे. सो आप लोग अपनी फीस, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना मोबाइल का बिल, पेटीएम एंड ऑल, ये सब यूज करके पे कर रहे हो. टू बाय टिकट्स, अभी तो बंद है कोई नहीं, बट पहले भी हम लोग बुक माय शो से ही सब कुछ बुकिंग करवा देते थे, और पेमेंट भी पेटीएम, गूगल पे और इन सब से कर लेते थे. एंड फॉर मैनी मोर, मैनी मोर में मैंने इंक्लूड कर दिया नाउ टू टेक लेक्चर्स ऑल्सो with the help of technology. Okay? So this technology is also used for education. Yes, we are using. हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है और हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं इस चीज को. So economics is an art and a science which evolves every day as a behavior of the human beings. Society and state changes with the time. Economics में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? Human behavior related, human की demand कैसी है, ह्यूमन क्या प्रोड्यूस करना चाहता है, वो किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसा कंज्यूम करता है, सरकार क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिसीजंस लेती है अपने उसमें, हर एक चीज. सो इसी वजह से इकोनॉमिक्स को एज एन आर्ट, एज एन साइंस. लेकिन इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है, कौन सा साइंस बोला जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्या बोलते हैं हम लोग, जूलॉजी, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क. Economics is dash science because economics is related or economics is a subject studies the human behavior. So कौन सा science आएगा? ये राजा महाराजाओं के बारे में और ऐसा सब किसमें पढ़ते थे? Behavioral science. Behavioral science हमारा आ जाता है psychology में. Social science. हाँ, सोशल साइंस, एसएस करके आपका सब्जेक्ट तो होता था सोशल साइंस. यस, इकोनॉमिक्स कैन बी टर्म्ड एज अ सोशल साइंस. किसने बोला है सोशल साइंस? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ. एडम स्मिथ. सो हेंस पीपल इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एज वेल एज एक्सपर्ट्स have to update themselves by a day and technology helps to cope up. हम लोग क्या कर रहे हैं? खुद को अपडेट ही कर रहे हैं ना, अपडेट वर्जन्स. बिकॉज बताओ मुझे, जब तक हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, जैसे फोन है, फोन को हम लोग अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा फ्लो जो फोन है वो स्लो डाउन हो जाएगा और नए नए वर्जन्स आते जाएंगे और
हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं. सो अपडेशन इज मस्ट इन अवर लाइफ. अगर हम लोग चेंज के साथ चेंज नहीं होते ना, तो हम दुनिया से बहुत पीछे चले जाएंगे. तो हम लोगों को चेंज के साथ चेंज होना पड़ता है. जैसे आप लोग में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जो अभी भी इवन स्टडी नहीं कर रहे. अरे भाई साहब, उठो जागो, नया जमाना आया है, डिजिटल लाइफ आई हुई है, डिजिटल एजुकेशन आया हुआ है, कुछ नया सीखो, हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो. स्लो डाउन क्यों होना है, दुनिया से पीछे क्यों चलना है अपने को, दुनिया से आगे चलना है अपने को, तो ये सोचना चाहिए ना. सो अपने को टाइम बाय टाइम, जैसे बिजनेस में चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ते, ऐसे ही हम लोगों को खुद के लाइफ में भी जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे वैसे वैसे चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए. सो देखो क्या लिखा है यहाँ पे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल टूल्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन अवर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो. सो सबसे पहला दिया हुआ है दैट इज अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. सो कंप्यूटर, आप क्या क्या यूज करते हो कंप्यूटर में, व्हाट वी आर यूजिंग इन कंप्यूटर, जस्ट टेल मी क्या क्या कर सकते हम लोग कंप्यूटर के अंदर. इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्या स्टडी कर सकते हैं, ग्राफ्स प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, यस ग्राफ्स डायग्राम्स और ऐसे सारी चीजें अभी हम कंप्यूटर में, ये मैं बोर्ड पे बना रही हूँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए. आप मुझे बताओ जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो क्या आप इसी तरीके से बोर्ड पे ग्राफ्स बनाओगे, नॉट एट ऑल. नो, आपको कंप्यूटर वाइज ही हर चीज करना है, हर चीज कंप्यूटर में होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, विद इन अ वन क्लिक आपका सब कुछ हो सकता है. और क्या कर सकते हो कंप्यूटर में इकोनॉमिक्स रिलेटेड, जस्ट टेल मी बताओ क्या. डेटा एंट्री, डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हो, वेरी गुड, डेटा स्टोर कर सकते हो, यस. वो उसकी आती है ना एडवर्टाइजमेंट एंटीवायरस की, आपके लैपटॉप और आपके कंप्यूटर में क्या है वायरस है कि एंटीवायरस, क्विक हील की एड आती है ऐसी, क्विक हील है ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है. ओके, डेटा स्टोर कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हो प्रेजेंटेशन के अंदर, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो आप, प्रेजेंट कर सकते हो ना. आपके मैम ने आपको बोला कि बजट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाओ, सो आप ऐसे स्लाइड्स के स्लाइड्स, फर्स्ट स्लाइड्स दिखाई, फिर बताते जाओगे आप, एक्सप्लेन करते जाओगे कि व्हाट इज बजट, बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर. पहले आपने डेफिनेशन बताया, फिर दूसरे स्लाइड में से फॉर एग्जाम्पल आपने क्या बताया, टाइप्स ऑफ बजट बताया, पर्पज ऑफ बजट बताया. इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो. और क्या करोगे, प्रेजेंटेशंस तो की, फिर अरे पूरा एमएस ऑफिस यूज कर सकते हैं हम लोग. एमएस ऑफिस में और क्या क्या चीजें आती है, जस्ट टेल मी. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल, ओके. एक्सेल में क्या होता है जनरली, हम लोग एक्सेल में क्या कर सकते हैं, एक्सेल इज पर्टिकुलरली यूज फॉर द डेटा एंट्री. हर चीज डेटा वहां पे स्टोर एक्चुअली किया जाता है, और अपने को कुछ सम अप करना हो, कुछ एवरेज निकालना हो. आप लोग बचपन में करते थे कंप्यूटर में, आपके टीचर बोलते थे मार्कशीट बनाओ, ऐसा किसी ने किया है, स्कूल के अंदर होता था सिक्स सेवन स्टैंडर्ड में, बोलते थे मार्कशीट बनाओ, फिर उसका एवरेज निकालो, फिर उसका परसेंटेज निकालो, उसका सम करो, टोटल करो उसका, ऐसी सारी चीजें, फिर उसको पास या फेल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसा टेबल बनाते थे हम लोग मार्कशीट का पूरा. तो जनरली क्या होता है, बहुत सारी जो डेटा होती है या बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं वो हम लोग जनरली एक्सेल में ही करते हैं. इवन ग्राफ्स एंड डायग्राम्स भी मोस्टली, एक छोटा मोटा ठीक है कोई होगा ना डिमांड का तो हम लोग वर्ड वगैरह में यूज करते हैं, बाकी एक्सेल में ही पुट ऑन की जाती है. पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना हो या कुछ भी करना हो अपने को, वो एक्सेल में ही होता है. ठीक है, और क्या कर सकते हो, बस इतना ही है. अब मुझे बताओ क्या कंप्यूटर मुझे रिप्लेस कर सकता है, टेल मी. नो, व्हाई नो, यस
मुझे रिप्लेस कर सकता है, किसने बोला यस तो यस, तो वाई यस, नो तो वाई नो, एनीवन जस्ट टेल मी. किसने बोला यस और नो? मुझे रिप्लेस कर सकता है कंप्यूटर, हाँ या ना तो बोलू? नो. तो क्यों नो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मुझे मैम उसमें डेटा डालने के लिए भी एक ह्यूमन चाहिए होता है. अच्छा, यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी कर रही हूँ यहाँ पर, तो ऑपरेट करने के लिए भी तो इंसान ही चाहिए, सिंपल सी बात है. और जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देखो कंप्यूटर हमारे जिंदगी को चलाने के लिए आसान ही कर सकता है, आसान बना सकता है हमारे लाइफ को, बट हम इंसानों को ही हटा दे ऐसा नहीं हो सकता कभी भी. दिस इज अ फैक्ट, बिकॉज कंप्यूटर बनाया इंसान ने, तो इंसान कभी भी कोई ऐसी चीज इन्वेंट ही नहीं करेगा जो इंसान को रिप्लेस कर दे. हमारे टीचिंग को आसान कर सकता है, लेकिन हम टीचर को ही हटा दे ऐसा नहीं हो सकता. सो तभी यहाँ पे कंप्यूटर मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, दैट इज एक्चुअली द एड फॉर अस, बट हमको रिप्लेस कर दे ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, ओके फाइन. तो आप लोगों का लेक्चर है और कल हम लोग लेक्चर लेंगे ही इसके ऊपर फटाफट, विद इन 10 to 15 minutes ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा. आपका एक तो सवा दो का लेक्चर है ना, हाँ आपके पास टाइम है, आप 10 minutes का रेस्ट ले सकते हो. ठीक है, मैं यहाँ पे एंड कर दे रही हूँ, इसी के साथ मैं कंटिन्यू करूंगी. फटाफट हम लोग रीड करते जाएंगे और विद इन 15 minutes कंप्लीट करेंगे, और सेकेंड लेक्चर हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसका मैं फटाफट से आपको ओवरव्यू दे दूंगी. ओके फाइन एवरीवन.